मैजिकल गोल्डन बोट एंड मरमेड। बहुत दूर एक जादुई समंदर था, वहाँ पर जलपरियाँ रहती थीं। उन जलपरियों के पास बहुत सारी उड़ने वाली सोने की नाव थी। एक गांव में चंदू नाम का एक लालची चोर रहता था। वो गांव में छोटी मोटी चोरियाँ करके अपनी जिंदगी गुजार रहा था। तो एक दिन चंदू पलंग पर बैठकर सोच रहा था, इन छोटी मोटी चोरियों से मैं अमीर नहीं बन सकता, मुझे अमीर बनने के लिए कोई बड़ा हाथ मारना पड़ेगा। उसी गांव में एक बदमाश जमींदार रहता था, उसे सब जग्गा भाई कहकर बुलाते थे। वो हर दिन गांव के गरीब लोगों के घर जाता और उन्हें डरा धमका कर पैसे मांगता। तो एक दिन वो जग्गा भाई अपने कुछ घुंडों को लेकर एक बूढ़े आदमी के घर जाता है और उसे कहता है, मुझे गांव के सारे लोग इस गांव में रहने के लिए पैसे देते हैं, तुम मुझे क्यों नहीं देते हो? आज तो मैं तुमसे पैसे लेकर ही जाऊंगा। तो वो बूढ़ा आदमी बोला, साहब जी, मैं एक मामूली सा किसान हूँ, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं बहुत गरीब हूँ। ये सुनकर जग्गा भाई बोला, ये तुमने क्या तमाशा लगा रखा है, आज भी तुम पैसे नहीं दे रहे हो। आज बताता हूँ तुम्हें मैं मुझसे पंगा लेने का क्या अंजाम होता है। जग्गा भाई अपने घुंडों से बोला, जाओ इसे पीटो, आज इसका वो हाल करो कि ये याद रखे। उन घुंडों ने उस बूढ़े आदमी को बहुत मारा। एक बार टीवी पर एक हीरों और सोने के बने टापू का बता रहे होते हैं तो वो खबर चंदू भी सुन लेता है और सोचने लगता है, अगर ये टापू मैं ढूंढ लूं तो उस टापू का सारा सोना वहां से ले आऊंगा तो मैं बहुत अमीर बन जाऊंगा। कल मैं एक नाव बनाकर उस हीरों और सोने वाले टापू की तलाश में निकलूंगा। अगले दिन चंदू एक नाव बना लेता है और नाव को चलाने लगता है। कुछ देर बाद वो समंदर में पहुंच जाता है। चंदू ऐसे ही समंदर में अपने गांव से बहुत दूर निकल आता है। चंदू कुछ आगे जाता है तो वो देखता है कि हवा में एक सोने की नाव उड़ती हुई जा रही है। चंदू उस नाव का पीछा करता है और वो जलपरियों वाले जादुई समंदर में पहुंच जाता है। वो उन जलपरियों और उन बहुत सारे सोने के नाव को देख के सोचता है, यहाँ तो बहुत सारी जलपरियां हैं और बहुत सारे सोने की नाव भी। अगर मैं इन जलपरियों को पकड़कर ले जाऊं और इन्हें बेच दूं और इन सोने की नाव को चुरा लूं तो मैं बहुत अमीर बन जाऊंगा। चंदू एक प्लान सोचता है और अपने गांव की तरफ वापस चला जाता है। चंदू अपने गांव पहुंच जाता है और वो जग्गा भाई के पास चला जाता है। चंदू जग्गा भाई के पास पहुंच जाता है और उसे कहता है, जग्गा भाई, वो मुझे समंदर में एक जगह का पता चला है, वहाँ पर बहुत सारी जलपरियाँ और सोने की उड़ने वाली नाव हैं। उसकी बात सुनकर जग्गा भाई बोला, अगर तुम्हारी ये बात झूठ निकली तो तुम्हें पता है मैं तुम्हारा क्या हाल करूँगा। तो चंदू बोला, मैंने जो बात कही है ये बिल्कुल सच है, अगर हम उन जलपरियों को पकड़कर बेच दें और उन सोने की नाव को चुरा लें तो हम बहुत अमीर हो जाएंगे। मैं आपके पास आया हूँ क्योंकि मैं अकेला ये काम नहीं कर सकता, मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। अच्छा, अब तुम मुझे अपना प्लान बताओ कि हम उन जलपरियों को कैसे पकड़ेंगे। बॉस, हम एक बड़ी नाव लेकर जाएंगे, हमें जैसे ही वो जलपरियाँ दिखेंगी हम उन पर एक जाल डाल देंगे और उन सोने की नाव को भी चुरा लेंगे। नाव में समंदर में निकल जाते हैं। जब उन्हें वो सोने की नाव और जलपरियाँ दिखने लगती हैं तो जग्गा भाई चंदू से कहता है, तुम कितने लालची और बेवकूफ़ इंसान हो,
तुमने मुझे इस जगह का बता के बहुत बड़ी गलती कर दी। तो चंदू बोला, मैंने तो भाई आप पर भरोसा करके ये बात बताई थी। तुमने मुझ पर भरोसा नहीं किया था, तुमने मुझे इसलिए बताया क्योंकि तुम ये काम मेरी मदद के बिना नहीं कर सकते थे। अब मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं, मुझे अब इस जगह का रास्ता पता चल चुका है। जगह भाई अपने गुंडों से कहता है, मुझे अब इस लालची बेवकूफ की कोई ज़रूरत नहीं, इसे समंदर में फेंक दो। तो वो चंदू को समंदर में फेंक देते हैं। जग्गा भाई उन जलपरियों के पास जाने लगता है तो जग्गा भाई को वो जलपरियां देख लेती हैं और एक जलपरी उसे कहती है, हमारे इस जादुई समंदर से चले जाओ, यहाँ साधारण इंसान नहीं आ सकते। जलपरी की बात सुनकर जग्गा भाई बोला, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, मैं यहाँ तुम्हें पकड़ने आया हूँ और मैं तुम्हें पकड़ कर ही ले जाऊँगा और बेचूँगा। जग्गा भाई की बात सुनकर जलपरी को गुस्सा आ गया और जलपरी ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया और जग्गा भाई की नाव गायब हो गई और जग्गा भाई और उसके गुंडे मछलियों में बदल गए। मैजिकल मनी ट्री एंड मैजिकल काओ। उस गांव का नाम गंगीपुर था। वहां पर एक गाय आ गई और गांव में घूमने लगी। उस गांव में दो चरवाहे रहते थे, एक का नाम वीर। वीर गरीब था लेकिन जानवरों से प्यार करता। वो अपने जानवरों को खुद घास डालता, उनको बहुत प्यार से रखता। और दूसरे चरवाहे का नाम राज। राज बहुत चालाक और लालची था, वो किसी की बात नहीं मानता। राज ने अपनी चालाकी से एक बड़ा घर भी बना लिया और वीर अभी भी अपने छोटे से घर में रहता है। वो गाय गांव के एक चौपाल के साथ आकर गिर गई। जब भी कोई इंसान उस चौपाल के करीब से गुजरता तो वो गाय आवाज निकालती, मगर कोई नहीं रुकता। जब राज वहां से उस चौपाल के करीब से गुजर रहा था तो वो गाय आवाज लगाने लगी। तो राज बोला, अरे अब तुम्हारी मदद क्यों करूं भला, मरती हो तो मर जाओ, वैसे भी तुम मरने वाली हो, मुझे कौन सा फायदा दोगी, मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं। वो ये कहकर वहां से चला गया। उसी दिन वीर का बेटा खेलते खेलते गिर गया। उसे वो हॉस्पिटल ले गया तो डॉक्टर बोला, इसके इलाज में 10 लाख लगेंगे, जल्द से जल्द 10 लाख का इंतजाम करो वरना बच्चे की जान जा सकती है। वीर दुखी होकर जा रहा था तो रास्ते में उस चौपाल के साथ गिरी हुई वो गाय दिखी। वीर उस गाय की आवाज सुनकर भागते हुए गया और वीर बोला, अरे ये क्या हो गया तुम्हें, तुम्हें अपने घर ले चलता हूँ और तुम्हारा इलाज करता हूँ। वहीं पर वो गाय ठीक होकर खड़ी हो जाती है, जैसे उसे कुछ हुआ ही ना हो, और वो बोलने लगती है और वीर से कहती है, ये एक परीक्षा थी, तुम इसमें पास हो गए, तुम जानवरों से प्यार करते हो, ये तुमने साबित कर दिया। मुझे पता है तुम्हारा बेटा बीमार है और तुम्हें पैसों की जरूरत है, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें एक जादुई पेड़ के पास ले जाती हूँ, उस पेड़ के ऊपर पैसे उगते हैं। ये सब राज सुन लेता है। अब ये गरीब इंसान अमीर बने, ना ना मैं ऐसे नहीं होने दूंगा, अभी कुछ हुंडों को साथ लेकर इनका पीछा करता हूँ, फिर इस वीर को बताता हूँ, बड़ा आया अमीर बनेगा। राज कुछ हुंडों के पास जाता है और उनको कहता है, ए मैं तुम सबको 1-1 लाख दूंगा, तुम्हें उस वीर को पकड़कर खूब पीटना है, अब मेरे पीछे आओ, जैसा जैसा मैं कहूं वैसा वैसा करना। राज उन गुंडों को लेकर जंगल में एक बड़े पत्थर के पीछे छुप जाता है और उन गुंडों को एक प्लान बताता है। वीर और गाय जंगल में पहुंच जाते हैं
और उस मायावी पेड़ के पास पहुंचने ही वाले होते हैं, तो उस बड़े पत्थर के पीछे से राज निकलता है। वो वीर के सामने खड़ा हो जाता है उन गुंडों को लेकर और कहता है, तुम्हें अमीर होने का बहुत शौक है ना, मुझसे ज्यादा अमीर होना चाहते हो तुम। अब मैं बताता हूँ तुम्हें अमीर कैसे होते हैं। तो वीर बोला, मुझे अमीर नहीं होना, मुझे बस अपने बेटे का इलाज करवाना है। वो बहुत बीमार है, उसके इलाज के लिए पैसों की ज़रूरत है, उसी के लिए ये जादुई गायें मेरी मदद कर रही है। राज ने वीर की एक ना सुनी और अपने गुंडों को बोला, अरे तुम ऐसे क्यों खड़े हो, मैंने तुम्हें ऐसे खड़े होने के लिए बुलाया है, जाओ मारो इसे। और वो गुंडे उसे मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो वो गायें अपनी शक्ति से गुंडों और राज को बकरियों में बदल देती है।